पूरे साल अक्टूबर नवंबर का महीना हम लोगों को याद रहता था कि इस महीने में ही हम लोगों का मेले का घूमने का सपना पूरा होता था पूरे साल। जब हम लोग बच्चा थे बचपन में तो हम लोगों को काली मेला, दीपावली और दशहरे का काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार रहा करता था, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जहां हम लोग मेला घुमा करते थे और माँ पिताजी से कुछ पैसे लेकर हम लोग मेला घूमने जाया करते थे अपने साथियों के साथ। और आज भी हम लोग इसी मेला में घूमते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जब हम लोग मेला में आते थे तो जिलेबी, रसगुल्ला ये सब खाने का बहुत शौक रखते थे, लेकिन अब वो जिलेबी और समोसा पहले जैसे मिलते कहाँ हैं। अब तो उनके जगह चौमीन, चाट इन सब लोगों ने साथ ले लिया। और लेकिन मेला में जो सामान मिलता था आज भी गांव में जो आयोजित होता है मेला, उसमें अभी भी ये चीज़ बरकरार है। और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अभी मड़वा गांव में अवस्थित हैं, आए हुए हैं, और यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ एक काली मेले का आयोजन छोटा मोटा ही होता है, लेकिन वो जितने भी पुराने चीज़ थे वो आज भी यहाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जिलेबी है, आप देखिए, ये आपको शहर बाज़ार के मेले में बहुत कम मिलेंगे। ऐसा ही बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम इस मेले में आए हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में देखने के लिए, समझने के लिए, जो हमें भी विचलित करता है। और विचलित करने का कारण है कि किसी भी इंसान को अगर भगवान ये कहे कि तुम हमको मने बलि दो और तभी मैं खुश रहूँगा, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है, यही चीज़ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दरमियान हम मंदिर आए हुए हैं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से, और हम अपने वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाएंगे। और अभी आप देखिए कि हम इसी काली मंदिर के आसपास खड़े हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं आप देख सकते हैं, और पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण लोग जो किसान लोग हैं यहाँ आते हैं। और हम यहाँ आपको एक दो चीज़ और भी दिखाएंगे कि आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जो बलि प्रथा है ये कहाँ तक सही है। हमको नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं कहता है कि किसी का जान लेके हम खुश रहेंगे। हमको जब लगा कि ये चीज़ सही में गलत है तो हमको लगा कि हमको एक वीडियो बनाना चाहिए इस पर, और इस पर हमें सवाल जनता से पूछना चाहिए कि क्या बलि देना सही में अच्छा है या खराब है। ये आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ा बज रहा है, लेकिन आप देखिए और समझिए कि भगवान क्या कहते हैं कि हमें बलि दीजिए। हमें नहीं लगता, समझने की कोशिश की। मैं आज ये चीज जो दिखा रहा हूँ कि मेरा भी जीव विचलित हो रहा है, और मैं आप क्या बताऊं, इसी वजह से दिखा रहे हैं। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो परंपरा है क्या इसे खत्म नहीं करना चाहिए। ये कुरीति है या नहीं है ये हम अपने जनता से पूछना चाहेंगे, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। बलि देते हैं, उनसे भी मिलाते हैं। ये हमारे हैं, इन्हीं के द्वारा बलि यहाँ दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सरदार हरिवंश सिंह। कितना साल से बलि दे रहे हैं?
20 साल से ज्यादा हुआ होगा। कितना? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है आपको बलि देने में? क्या करेगा, संस्था का चीज है तो देना पड़ता है। अच्छा, एक दिन में कितना बलि दे देते हैं? एक दिन में वही जैसा आता है वैसा 25-30 जो आता है वो। अच्छा, ये बताइए कि बलि देने जो आप यहाँ आते हैं, तो यहाँ जो बलि देने लोग बकरा लेके आते हैं तो किस प्रकार के लोग आते हैं, मतलब कैसा उनका ये रहता है? न, विचार तो ठीक है। तो वो लोग क्यों बलि देते हैं? अब उन लोगों को है कि श्रद्धा कि हमको फलना मैं काली से मांगे कि हमको फलना चीज चाहिए, तो उसका इच्छा से वो चढ़ने आता है। अच्छा, आपका दिल कहता है कि बलि देना चाहिए? ओ, मैं काली का है कि दिल तो। अच्छा, और वो जो बलि का जो मुंडा वगैरह होता है वो भी लेके सब साथ में जाते हैं? हाँ, वो जो चढ़ता है वो लेके चला, उसके एवज में पैसा देता है, उसके बाद पैसा। अच्छा अच्छा, देखिए इनका भी कहना था कि बलि देना, क्यों लोग बलि देते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि बलि एक कुरीति है, समाज का एक कुरीति है, और इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि भगवान कहते हो कि किसी के जान के बदले में किसी की जान ले लो, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि बलि देना चाहिए या नहीं।